Hello children, today we are going to start the tutor that is unusual sports in your English chapter, English literature books. Quickly open your English literature books with other required material like pencil. Pencil should be in your hand and we will start reading this. Okay, so it says on page number 26. Some games and sports are known all over the world. Others are known only locally. कुछ games जो होते हैं all over the world जाने जाते हैं और कुछ local, मतलब जो आपकी city की खासियत होती है कि यहाँ ये चीज़ खेली जाती है वो चीज़ होती है. Let's read this magazine article about a few strange games played with even stranger rules. कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस मैगजीन आर्टिकल में दिखी हुई हैं, बहुत ही स्ट्रेंज अजीबोगरीब गेम्स हैं और अपने ही उसके कुछ रूल्स होते हैं. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज फन. हु डजंट इंजॉय ड्रिबलिंग इन फुटबॉल, अ रैली इन टेनिस और अ लॉन्ग स्टिंट एट क्रिकेट पिच. बैडमिंटन, वॉली, हॉकी, बास्केटबॉल आर अदर गेम्स वी ऑल लव टू टेक पार्ट इन. हमें सबको पता है कि गेम खेलना और स्पोर्ट्स करना बहुत ही ज़्यादा फन है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. हमें फुटबॉल को ड्रिबल करना, रैली में टेनिस में रैली करना, और रैली करना मतलब कलेक्टिव नेम है बेटा, जो शॉट्स मारे जाते हैं प्लेयर्स के हाथ उन्हें रैली बोलते हैं. ठीक है, ड्रिबल करना बॉल को फॉरवर्ड ऐसे करके पैरों से हम ड्रिबल करते हैं ना, वो कंटिन्यूसली बाउंस करती है जब बॉल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रिबल करना बोलते हैं. लॉन्ग स्टिंट एट द क्रिकेट पिच मतलब टाइम स्पेंड ड्यूरिंग समथिंग पर्टिकुलर, वहाँ पे पिच पे खड़े होके प्रैक्टिस करना. ठीक है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल आर अदर गेम्स वी ऑल लव टू टेक पार्ट इन. वैसे थोड़े ऐसे गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और बहुत से गेम्स हैं जिन्हें हमें पार्ट लेना पसंद है. बट देयर आर मैनी क्यूरियस स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से गेम्स हैं जो हम जानना चाहेंगे, क्यूरियस होंगे, क्यूरियोसिटी होगी, हमें जानने की चाह होगी, इच्छा होगी कि स्पोर्ट्स खेले जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और हमने उनके बारे में आज तक सुना भी नहीं होगा. सम ऑफ देम आर क्वाइट बिजायर. बिजायर मतलब स्ट्रेंज, मतलब ऐसे ही हमने कभी सुना भी नहीं होगा, बहुत ही अजीब है. लेट अस फाइंड आउट सम अनकॉमन इवन कॉमिकल स्पोर्ट्स. कॉमिकल स्पोर्ट्स हैं और बहुत ही अनकॉमन है, मतलब हमने सुने नहीं हैं. बॉसेबॉल, बॉसेबॉल इफ़ यू मिक्स टुगेदर वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक एंड ट्रैम्पोलिन्स एंड एड म्यूजिक टू इट, व्हाट यू विल गेट इज प्योर फन एंड एक्साइटमेंट. ये बीच साइड पे बेटा यहाँ पिक्चर बनी हुई है, बीच साइड में ये चीज़ खेली जाती है, म्यूजिक भी होता है, पैर से भी मार सकते हैं वॉलीबॉल की तरह, हाथ से भी मार सकते हैं, जिमनास्ट की तरह आप जंप भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. वहाँ ट्रैम्पोलिन्स भी होते हैं, ट्रैम्पोलिन के ऊपर ये बेटा आपने देखा होगा मॉल वगैरह में भी, ये जंपिंग वाले होते हैं ना, ट्रैम्पोलिन बोला जाता है, तो ये ट्रैम्पोलिन्स पे बच्चे जो बड़े लोग हैं वो ये गेम है और वो ये खेलते हैं, और वो इन सारी चीज़ों को मिला के ये गेम बनता है, उसे बोलते हैं बॉसेबॉल. बॉसेबॉल वॉज इन्वेंटेड बाय अ बेल्जियम फ्लिक एलिकमैंस इन 2004 में वो इन्वेंट किया था एक बेल्जियन ने. इट इज़ प्लेड ऑन अ इनफ्लेटेबल कोर्ट विद अ ट्रैम्पोलिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट. नेट लगी होती है, जैसे बेटा आपने देखा है ना आपके वॉलीबॉल में भी नेट लगी होती है. ठीक है, और जिमनास्ट मतलब ऐसे जंप कर सकते हैं ट्रैम्पोलिन की हेल्प से, ऐसे ये चीज़ बनी हुई होती है. इसका कोर्ट ऐसे बना हुआ होता है, नेट के दोनों साइड प्लेयर्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव इन बेसबॉल एज इन वॉलीबॉल इज़ टू ग्राउंड द बॉल ऑन द ओपोनेंट साइड ऑफ द कोर्ट. हमें फेंकनी होती है और वो जो दूसरा प्लेयर है, जो ओपोनेंट ऑपोजिट प्लेयर है, वो आपकी बॉल को टच ना कर सके और वो बॉल नीचे ग्राउंड हो जाए, गिर जाए, तो वो पॉइंट आपका माना जाएगा. द प्लेयर्स 3 to 5 अ मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड, फीट, हैंड्स, कोई भी बॉडी का हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हेड हो, फीट हो, हैंड हो, उसको खेलने के लिए. टू गेट द बॉल ओवर द नेट इनटू द ओपोनेंट सेक्शन, ओपोनेंट के सेक्शन में पहुंचाने के लिए आप कोई भी बॉडी का हिस्सा यूज़ कर सकते हो. अ ट्रैम्पोलिन इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच साइड फॉर मोर बाउंस, और उससे क्या होगा, आपको जंप करने में आसानी रहेगी, बाउंस के लिए आसान रहता है. ओनली वन प्लेयर इज़ अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलिन, द अदर्स आर अराउंड. ट्रैम्पोलिन पे एक ही पर्सन होता है जो बाउंस कर सकता है, बाकी उसके आसपास होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में
देख सकते हैं. अ मैक्सिमम ऑफ 5 टचेज आर अलाउड पर टीम. पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वेयर द बॉल फॉल्स एंड वेयर इट गेट्स. आगे गिरी है पीछे गिरी है उस हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं. और मैक्सिमम 5 टचेज अलाउड है, सिर्फ 5 बार आप बॉल को छू सकते हो पर टीम अलाउड होता है. द फर्स्ट टीम टू स्कोर 25 पॉइंट्स विन द गेम. और इनका क्या स्कोर रहता है, 25-25 स्कोर रहता है. तो जिसके पहले 25 पॉइंट्स हो गए हैं वो ही इज विनर ऑफ द टीम, दैट टीम इज द विनर. द रेफरी ऑफ द गेम इज सांबा रेफरी. उसको क्या बोला जाता है, उसके रेफरी को ब्राज़ीलियन डांस है बेटा, सबको पता है ना, कहते हैं ना सांबा करते हैं ये करते, तो ये ब्राज़ीलियन डांस है. तो सांबा रेफरी हु इज़ बोथ द मास्टर ऑफ सेरेमनी एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट. वही मास्टर ऑफ सेरेमनी है, मतलब वही आपका रेफरी भी है, वही स्पोर्ट्स सामने करता है और वही सॉन्ग्स प्ले करता है. जैसे कि हमने बताया था म्यूजिक का भी उसमें टच रहता है. द हाइट ऑफ द नेट कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट लेवल्स सच एज एडल्ट्स बिगनर्स और चिल्ड्रन. और नेट जो है उसका जो साइज़ है, हाइट है जो उसकी, वो डिपेंड करता है, एडजस्ट करी जाती है कि कौन उसमें गेम खेल रहा है. एडल्ट्स खेल रहे हैं, बिगनर्स खेल रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं वो खेल रहे हैं, या फिर चिल्ड्रन खेल रहे हैं. अब हम देखेंगे चेस बॉक्सिंग. चेस बॉक्सिंग में क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चेस बॉक्सिंग. चेस बॉक्सिंग में क्या होता है, वी हैव प्लेड चेस एंड वी हैव हर्ड और सीन बॉक्सिंग मैचेस. हमने बहुत सारे बॉक्सिंग मैचेस देखे हैं बेटा, हमने चेस मैचेस देखे हैं, लेकिन हमने एक ही अनयूजुअल सा स्पोर्ट अभी नहीं देखा है. वो क्या है, ब्रेन इंटेलिजेंस, मतलब ब्रेन और ब्रॉन का होता है. वो क्या होता है, ब्रेन एंड ब्रॉन का. सेरेब्रल, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेरेब्रल गेम विद अ फिजिकल स्पोर्ट. उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है, सेरेब्रल मतलब आपके इंटेलिजेंस की भी यूज़ होती है. सीम्स रादर अनलाइकली, कितना अजीब सा स्ट्रेंज सा अनयूजुअल सा स्पोर्ट है ना. एंड वॉट इट इज़ द चैप्टर सेज ऑल अबाउट. और यही हमारे चैप्टर का भी नाम है, अनयूजुअल स्पोर्ट्स. ठीक है, चेस बॉक्सिंग इज़ अ हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब बेटा एक ऐसा गेम या कोई भी ऐसी चीज़, हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो और तीन चीज़ों को मिला के बनती है, वो है हाइब्रिड, उसको बोला जाता है. किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, एक डच परफॉर्मर में, लिपी रूबिंग, इन 2003 में उन्होंने किया था. ये एक बहुत ज़्यादा वेल लव्ड स्पोर्ट इन जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया और रशिया. बहुत ही ज़्यादा वेल लव्ड स्पोर्ट है ये, इन जगहों पे बहुत ही माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, खेला जाता है. स्पोर्ट रिक्वायर्स बोथ ब्रेन एंड ब्रॉन. ब्रेन मतलब आपका इंटेलिजेंस और ब्रॉन मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ. आइदर बीट योर ओपोनेंट इन राउंड्स ऑफ चेस और बॉक्सिंग. बेटा या तो आपको चेस में उसको हराना है अपने ओपोनेंट को, अपने जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, या फिर आपको बॉक्सिंग में उसको हराना है. मैच जो होता है वो 4 मिनट राउंड ऑफ चेस फॉलोड बाय अ 3 मिनट राउंड ऑफ बॉक्सिंग बिफोर रिटर्निंग टू द चेस बोर्ड. बेटा एक 11 राउंड होते हैं इसमें, एक राउंड पहले चेस का होता है, फिर आपका एक बॉक्सिंग का राउंड होता है, फिर चेस का होता है, फिर बॉक्सिंग का होता है. 4 मिनट का चेस का होता है और 3 मिनट का बॉक्सिंग का होता है. ठीक है, टोटल 11 राउंड्स होते हैं, 6 राउंड्स आपके चेस के और 5 राउंड्स आपके बॉक्सिंग के होते हैं. और उसमें एक इंटरवल दिया हुआ होता है, ब्रेक दिया होता है. जैसे ही चेस का मैच ख़त्म होगा वैसे ही 1 मिनट का ब्रेक इंटरवल जो है प्लेयर्स को मिलता है. ठीक है, द प्लेयर्स वियर हेडफोन्स. प्लेयर्स क्या करते